हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाली मेकअप लुक। सो आई होप आप सभी को अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर टोनर यूज़ कर रही हूँ। टोनर हमें मेकअप से पहले जरूर अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं उनको मिनिमाइज़ करता है और हमारे स्किन को हाइड्रेट रखता है। तो टोनर जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे सिर्फ यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का। इसको थोड़ा सा हल्का सा लेकर मैं थोड़ा सा डैप डैप करके पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे फिट मी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। जो भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हो, यूज़ करने से पहले आप एक बार इसको पानी में अच्छे से और पूरे फेस के लिए आपको अच्छे से इसको अप्लाई कर लेना है। देखिए डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा ना। आपको ना ऐसे टैप टैप करके लगाना है अपना फाउंडेशन, ऐसे तो गड़ना नहीं है पूरे फेस पे। फिटमी का फाउंडेशन बहुत अच्छी कवरेज देता है हमारे फेस पे। बस हमें जब भी कोई फाउंडेशन हम खरीदे अपने लिए, तो बस उसके जो कलर है हमारे स्किन टोन से थोड़ा सा लाइटर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे मैं अपनी गर्दन पे भी थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी ताकि अनइवन स्किन ना लगे मेरी। आपको अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना है। उसके बाद मैं यूज़ करूँ यहाँ पे लिप बाम बायोटिक की। फेस के साथ हमारे लिप्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसलिए इनको भी अच्छे से मॉइस्चराइज़र करना होता है। उसके बाद पारी आती है आईब्रोज के। तो मैं स्विस ब्यूटी के आई जेल लाइनर से अच्छी तरह आईब्रोज को कॉम कर लेती हूँ पहले। और हल्के हल्के हाथों से आपको आईब्रोज फिल करनी है। ये नहीं कि एकदम ही बस आप लग गए और आपने पेंटिंग बना दी अपने आईब्रोज की, ऐसा नहीं करना। आपने हल्का हल्का सा आपको प्रोडक्ट अप्लाई करना है जिससे कि आपके आईब्रोज ना नेचुरल लगे। तो आपको शेप जो होती है ना हमारी आईब्रोज की, वो अच्छे से डिफाइन करनी होती है। अगर आपको इस तरह करना अच्छा नहीं लगता, तो आप जो आईब्रोज की वो पेंसिल आती है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। देखिए डिफरेंस। अब मैंने दोनों अपनी आईज कंप्लीट कर लिया आईब्रो की। उसके बाद मैं यहाँ पे आज सेलो टेप का थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करके देख रही हूँ। दोनों आईज पे मैंने लगा लिए सेलो टेप। यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूँ। उससे पहले मैं अपनी आईज को थोड़ा सा एक कंसीलर से कंसील कर लूँगी ताकि जो भी मैं आई शेडो का जो भी कलर अप्लाई करूँ वो थोड़ा अच्छा दिखाई दे। और जो आईब्रोज की जो लाइन है उसको अच्छे से इसकी शेप देनी है हमें, ताकि हमारे आईब्रोज अच्छे से डिफाइन हो। जो मैंने सेलो टेप लगाई इसका एक ही बेनिफिट है, जो भी हम एक्स्ट्रा मतलब कि इस टाइम हमें ये ध्यान नहीं होता कि हमें ज़्यादा ले रहे हैं कम ले रहे हैं। तो अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो वो सेलो टेप से बाहर नहीं जाता, अंदर ही रहता है।
उसके बाद मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट एसक्यू का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ, जो भी मैंने कंसीलर यूज किया है उसको सेट करने के लिए, उसको पैक करने के लिए। सबसे पहले हम अपनी जो आईलिड से ऊपर जो कॉर्नर होता है उसको अच्छे से फिल करेंगे। हल्का हल्का सा नहीं करना, ज्यादा नहीं करना। आप कोई भी आई शेडो पैलेट यूज कर रहे हो तो आपने एकदम ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना, उससे क्या होगा वो एक ही जगह पे ज्यादा ही गंदा सा लगेगा। तो आप हल्का हल्का सा कीजिए, आराम आराम से। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप अपनी आई शेडो क्रिएट करें तब उसमें अच्छे से ब्लेंडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ मैं थोड़ा सिमरी कलर, गोल्डन सिमरी कलर अप्लाई कर लेती हूँ अपनी आईलिड के ऊपर। अगर आप ब्रश से कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बट मुझे फिंगर से करना अच्छा लगता है। उसके बाद हम आईलाइनर यहाँ पे लगाएंगे। कई जिनको विंग बनाने में प्रॉब्लम होती है, अगर वो टेप लगा के ऐसे आई शेडो क्रिएट करे तो उनका जो विंग है वो भी अच्छे से बन जाएगा। यहाँ पे रिंग में ज्यादा लंबा नहीं रखे, बस मिट्टी रख रही हूँ। उसके बाद में मस्कारा यूज नहीं कर रही, जस्ट आईलाइनर को ही मस्कारा बना के यूज कर रही हूँ। देखिए आप मैं टेप उतार रही हूँ, देखिए बिल्कुल कुछ भी फॉल आउट नहीं हुआ और मेरी जो आई शेडो थी वो अच्छे से हो गई है। उसके बाद आता है कंटूर, अपने फेस को पतला स्लिम कैसे दिखाएं। अपने नोज को अच्छे से कंटूर करें। मेरी नाक है थोड़ी कोड़ा सी, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा इस पर यूज़ करी कंटूर के लिए, ताकि थोड़ी अच्छी और पतली दिखाई दे। और मैं थोड़ा डार्क शेड यूज कर लूंगी। उसको अच्छे से ब्लेंड करना है आपने हल्के हल्के हाथों से। आपको हमेशा जो आप ब्लेंडिंग करते हो कंटूर की, वो आपको ऊपर की तरफ करनी है, जिससे कि एक शैडो क्रिएट हो जाए। अब मैं अपने नोज को अच्छे से इसको कर लूंगी अच्छे से इससे। आपको जब आप नोज की कर रहे होते हो, आपको नोज के नीचे की तरफ करना हो तो ऊपर की तरफ नहीं आपको लेके जाना है, ये ब्यूटी ब्लेंडर नीचे की साइड करना है। देखिए कितनी अच्छी शेप आई है। मैं फुल हेड भी कर लूंगी।
उसके बाद में ये इसमें जो आई शेडो पैलेट है इसमें से मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ। ब्लश हमेशा आपको स्माइल करके लगाना होता है। और एक बात का ध्यान रखिए, जो आपने पहले कंटूर की थी आप हो सके तो आप वो जो ब्लश यूज़ करें उसके साथ आपको मिक्सअप करना होता है। ऐसे नहीं कि अलग से एक लेयर बना दिया आपने, उसके अंदर मिक्सअप करके तो एक अच्छा सा लुक आता है। ब्लशर हमेशा आपने नीचे से ऊपर की ओर लेके जाना होता है और गोल गोल घुमा के यहाँ मैं थोड़ा सा नोज भी इतना लगा लूंगी जिससे थोड़ी हाईलाइट हो जाए मेरी नोज। तो अब बारी आती है हाइलाइटर की। यहाँ पे आपने ब्लश यूज किया था जस्ट उसके ऊपर ही आपको एक लेयर बनानी होती है और अपने जो आपके कान होते हैं वहां तक लेके जानी होती है वाली लाइन आपको। यहाँ पे मैंने नोज पे जो है जहाँ पे मैंने लाइट कंटूर किया था वहां पे जस्ट आपने वहीं पे इसको हाईलाइट को वहीं पे अप्लाई करना होता है। उसके बाद मैं जो अपने लिप पे लिप बाम लगाया था उसको रिमूव कर लूँगी और यहाँ पे मैं लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी। तो गाइज ये है मेरी फाइनल लुक। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।